यार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटो हब में। तो आज ही हमारे पास द ऑनली हुंडई वेन्यू और ये इसका टॉप मॉडल SX ऑप्शनल जो आप ठीक सामने देख पा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आपको ये गाड़ी ज़रूर देखने को मिलती है, स्पेशली अगर इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और हम आपको इस वीडियो में इसकी सारी डिटेल्स बताएंगे विद ऑल द लेटेस्ट प्राइसिंग। तो हम आपको बता दें कि हुंडई वेन्यू में आपको जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो है 6.92 लाख रुपीज़ से 11.78 लाख रुपीज़ तक, और 18 वेरिएंट्स आपको ऑफ़र किए जाते हैं हुंडई वेन्यू में। और अगर हम आपको इसके ऑप्शंस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको पेट्रोल डीजल एंड टर्बो अलॉन्ग विद IMT का ऑप्शन देखने को ज़रूर मिल जाता है। डीजल में आपको 1500 एंड पेट्रोल पे आपको 1200 एंड IMT एंड टर्बो मॉडल्स में आपको जो है 998 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फीचर है और लुक तो इसकी एकदम ही ख़तरनाक है, जैसा आप सभी जानते हैं। अब फीचर्स की और बात करें तो इसमें आपको SX मॉडल से सनरूफ ऑफ़र किए जाते हैं और इसमें जो आपको अलॉयज़ हैं, हालांकि वो SX मॉडल में डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, बट SX ऑप्शनल में आपको अलॉयज़ मिल जाता है। और ये है उसके ऊपर की प्यारी सी लुक। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर फीचर से। तो इसकी की में आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको की में स्मार्ट कार्ड की का एक्सेस बटन देखने को मिलता है। SX ऑप्शनल का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आप की को व्हीकल को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लूलिंक की कंपैटिबिलिटी के साथ आपको SX ऑप्शनल मॉडल देखने को मिल जाती है। SX ऑप्शनल मॉडल में आपको बहुत ही बढ़िया फीचर्स देखने को मिलते हैं, स्मार्ट कार्ड की एक्सेस, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड एयर प्योरीफायर वगैरह सब कुछ। और जो साइड प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं, जो अलॉय व्हील्स हैं इसको एक अलग ही लुक प्रोवाइड करते हैं, और R16 अलॉय व्हील्स आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिलता है इस गाड़ी में। और ये है इसका IMT वेरिएंट, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं 998 सीसी का आता है इंजन। बाकी अब इसकी पहले लाइट्स को ऑन करके देखते हैं तो हम इसकी आपको फ्रंट लुक भी दिखाएंगे। तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। इसके जो प्यारे से LED डायल्स हैं ये एक अलग ही लुक इसको देते हैं। SX मॉडल में भी आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। और फ्रंट में आपको हुंडई के लोगों के साथ जो है क्रोम ग्रिल भी देखने को मिलती है। और फीचर्स की बात करें तो यहाँ क्रोम डोर हैंडल्स आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, कंपनी फिटेड और राय। और रियर लुक की बात करें तो ये हैं इसके पैर से LED टेल लैम्प्स, और पीछे आपको जो है टर्बो और SX की बैजिंग भी देखने को मिलेगी। रियर कैमरा अलॉन्ग विद वाइपर डिफॉगर आपको सब इसमें मिलेगा, और ऊपर आपको टू रूफ रेल्स अलॉन्ग विद शार्क फिन एंटीना भी दिख जाएगा। पोलर वाइट कलर इसका एक अलग ही लुक इसको देता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। रियर में आपको डिफ्यूजर और फॉग लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। और साइड प्रोफाइल की फीचर्स की बात करें तो जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, नीचे आपको ब्लैक का फिनिश भी दे रखा है, और जो इसकी साइड प्रोफाइल है एक नंबर लगती है, बिल्कुल एक SUV वाला फील इस गाड़ी को देखते ही आ जाता है। फ्रंट में फॉग लाइट्स आपको ज़रूर इसमें दिए गए हैं, और नीचे आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लैक कलर की क्लैडिंग है एक अलग ही इसको लुक प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी में जो है आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिलता है, ऑफ रोडिंग के लिए भी आप इसको भी ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। और SX ऑप्शनल मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स अलॉन्ग विद साइड एयरबैग्स एंड कर्टेन एयरबैग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब इसके फ्रंट ड्राइवर साइड डोर को ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप जो है देख सकते हैं इसमें आपको क्रोम का फिनिश भी देखने को मिलता है इसके डोर हैंडल्स में, और पूरा ब्लैक का फिनिश है यहाँ पे। यह है इसके ऑटो फोल्डिंग ORVM, और जो है इसमें आपको एंटी पिंच का ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलता है, बट ये वन टच ऑपरेटिंग विंडोज़ है इसमें। लेदर का फिनिश भी आपको आराम से यहाँ देखने को मिल जाएगा, और नीचे आपको एक बॉटल होल्डर अलॉन्ग सम एक्सटर्नल स्पेस भी देखने को मिलता है। SX ऑप्शनल मॉडल में भी आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, बट ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है जैसा आपको क्रेटा में मिलता था। बाकी की इसके इंजन को भी अभी मैं स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग। और ये इसके पैरिस इंटीरियर्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, ऊपर जो है आपको एक बढ़िया सा सनरूफ भी देखने को मिलता है, ये पैनोरामिक नहीं है। और रियर सीट्स में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है SX ऑप्शनल मॉडल का। सो गाइस, वी आर इन द ऑल न्यू हुंडई वेन्यू SX स्पोर्ट्स IMT वेरिएंट, और यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके टच स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ब्लूलिंग के साथ इसका टच स्क्रीन देखने को मिलता है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको स्मार्ट एक्सेस की एंट्री देखने को मिलती है अलॉन्ग विद
देन स्टार्ट स्टॉप बटन जो आप देख पा रहे हैं, लाइट के इल्यूमिनेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हिल असिस्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड ABS वगैरह सब आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। और टच स्क्रीन में आपको नेविगेशन वगैरह का भी बढ़िया सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं सेम क्रेटा वाले टच स्क्रीन है, बस साइज थोड़ा छोटा है यहाँ पे। और फीचर्स की बात करें तो ये इसका प्यारा सा जो आप देख पाएंगे रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब ग्लोव बॉक्स को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कूल्ड ग्लोव बॉक्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। और यह है वेन्यू के बुकलेट, 6 एयर बैग्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसका टॉप एंड है विद रियर आर्मरेस्ट, और नीचे आपको स्मार्ट एयर प्योरीफायर भी प्रोवाइड किया गया है। और फीचर्स की बात करें तो ये प्यारा सा इसका ग्लोव बॉक्स, और नीचे साइड आपको एक कप होल्डर ही देखने को मिलेगा। इसका ये एयर प्योरीफायर भी शुरू नहीं था, इसीलिए हल्के से साउंड कर रही थी गाड़ी। साउंड क्वालिटी को हम ऐसे नहीं चेक कर सकते। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं डीकट स्टीयरिंग व्हील मिलता है आपको विद लेदर रैप, क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी MID पे आप डोर्स वगैरह का भी देख सकते हैं, वॉइस कमांड का भी ऑप्शन आपको मिलता है। कैमरा मोड हटाते हैं हम लोग पहले। व्हीकल के स्टैट्स आपको ब्लू लिंक से जरूर मिल जाएंगे। तो ओवरऑल काफी अच्छा इंटीरियर है यहाँ पे, सनरूफ भी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। एक वेन्यू में आपको नॉर्मल सनरूफ मिलता है, बाकी लाइट्स आपको बैक साइड भी मिलती है और फ्रंट साइड भी जरूर मिल जाएगी। वैनिटी मिरर जो है आपको ड्राइवर साइड और केवल पैसेंजर साइड मिलता है, ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा। सनरूफ को यहाँ पे क्लोज करते हैं। वॉइस कमांड इसका ब्लू लिंक एक्टिवेट होने पे चलेगा। तो ओवरऑल काफी अच्छे इंटीरियर्स आपको देखने को मिल जाते हैं हुंडई वेन्यू के टॉप एंड में भी। वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे नीचे जरूर मिल जाएगा देखने को। और नीचे आपको जो है 12 वोल्ट्स का USB आउटपुट अलोंग विद USB चार्जर जरूर मिलेगा। और स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट्स आप यहाँ से देख पाएंगे, केवल आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, आगे पीछे का ऑप्शन नहीं है। सो गाइस ये थे प्यारे से हुंडई वेन्यू के स्पोर्ट्स IMT वेरिएंट के इंटीरियर्स। अब रियर पैसेंजर साइड डोर को भी ओपन करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ही बढ़िया सी ब्लैक अपहॉल्स्ट्री देखने को मिलती है, और रियर सीट्स पे आपको कप होल्डर्स SX ऑप्शनल मॉडल में देखने को मिलेगा। ये SX में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। और 60-40 स्प्लिट के साथ आपको यहाँ पे सीट्स देखने को मिलेंगे, जबकि SX में आपको बेंच फोल्डिंग सीट्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फीचर है यहाँ पे। वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी आपको आगे मिल जाती है। और ये हैं इसके प्यारे रियर सीवेंट्स। तो कैबिन का स्पेस काफ़ी अच्छा है और डैशबोर्ड का लुक काफ़ी प्यारा है। और रियर सीट में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है, ये चीज़ आपको SX में भी देखने को मिलती है। बट SX ऑप्शनल मॉडल में आपको कीमत को देखते हुए काफ़ी अच्छा एक पैकेज देखने को मिल जाता है। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो SX की आपको प्राइसिंग पड़ती है 11.25 लाख रुपीज़, वहीं SX ऑप्शनल की है 13 लाख रुपीज़। और अब इसके बूट को भी अगर हम ओपन करके देखें तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। नीचे आपको एक बढ़िया सा स्पेयर व्हील अलॉन्ग विद सम स्पेस, और ये इसका प्यारा सा इंटीरियर। नीचे आपको एक बढ़िया सा रूफ लैम्प भी देखने को मिलता है। तो ये है ओवरऑल हुंडई वेन्यू का एक पूरा टॉप मॉडल जो आपके ठीक सामने। रियर वाइपर डिफॉगर तो आपने देख ही लिया होगा रियर सीट्स में। सो गाइज अगर हम मेन अपने वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करें तो इसका जो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बैठता है वो SX भी है, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा फीचर पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। बट SX ऑप्शनल में आपको सेफ्टी फीचर थोड़े एडवांस भी देखने को मिलते हैं, SX एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट वगैरह। सो गाइस ये था हमारा वीडियो द ऑल न्यू हुंडई वेन्यू पर। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल।